Hey friends, my name is Vivek और आज की पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने पूछा था डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। काफी लोग क्वेरी करते हैं, काफी लोग इस चीज को खराब कहते हैं, इस चीज को अच्छा कहते हैं, तो हम सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि एग्जैक्टली अगर हम डायरेक्ट एडमिशन करवाते हैं बिकॉज वी प्रोवाइड द सर्विस एज वेल एज वी ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस फॉर पेड काउंसलिंग, तो ये एग्जैक्टली होती क्या है और क्या इससे कोई फर्क पड़ता है हमारे चैनल पे, क्या हमारी इन्फॉर्मेशन कम होंगी? नहीं दोस्तों, क्या आप इन चीजों को खुद भी कर सकते हो? एग्जैक्टली यस, आप खुद भी कर सकते हो, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हम क्या कैसे प्रोसेस में आते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज वी कैन प्रोवाइड यू बेस्ट एडवाइसेस विच कैन हेल्प यू आउट, मतलब एक तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे और आपकी जो है हेल्प करेगा कोई भी आदमी, अगर आपकी मदद करेगा तो उस चीज की थोड़ी सी अमाउंट लेना उसके लिए लाजमी है। तो क्या बुरा है? आपके हिसाब से जैसा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपके ऊपर है, बट ओनली हाउ दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली होती क्या है और कोई भी अगर आपकी इस चीज की मदद कर रहा है तो वो एग्जैक्टली आपको मदद कैसे कर रहा है। जैसे कि आप में जो है एक पर्दा होता है ना, बेसिकली ये पूरी एक चीज होती है, हर साल देखी गई है कि ये डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस जो है एक पर्दा है, बाहर से कोई आदमी कुछ बोल रहा है, अंदर से कुछ बोल रहा है, जो है डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि डायरेक्ट एडमिशंस क्या होती है। तो डायरेक्ट एडमिशंस जो होती हैं वो होती हैं कॉलेज के द्वारा काउंसलर सेट किए जाते हैं। जैसे कि कॉलेजेस में तो हर ब्रांच डिमांड में होता है, हर ब्रांच अच्छी होती है, तो क्या वो हर ब्रांच फिल कर सकते हैं? नहीं, लोअर ब्रांचेस फिल नहीं होते। तो दोस्तों ओनी हाउ वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेके काउंसलर्स अगर हम रखेंगे, 2-4-20 काउंसलर्स रखेंगे तो वो जो है हमारे लिए कैंडिडेट्स ला कर देंगे और जो है हमारी कॉलेज में जो है सीट्स वो फुल हो सकती हैं। वो जो है कैंडिडेट्स को पकड़ेंगे और कैंडिडेट जिनकी भी इच्छा होगी वो उनके कॉन्टैक्ट से जाकर उनको फिक्स करेंगे। तो इस तरीके से काउंसलर्स आते हैं बीच में। इसके अलावा दोस्तों काउंसलर्स जब बहुत सारे लोअर ब्रांचेस में एडमिशन करवाते हैं बिकॉज दे आर गुड काउंसलर्स, तो वो क्या करते हैं ना ऊपर वाले ब्रांचेस के लिए कहते हैं कि कॉलेज में हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो आपको पैसा देकर वो ऊपर वाले ब्रांचेस चाहते हैं तो उनको जरा सा डिस्काउंट कर दीजिए। तो ऐसा होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें, आप खुद डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हैं, कॉलेज जाते हैं बोलते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन करेंगे, हम पैसा देना चाहते हैं, तो आप लोगों को जरा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, विच इज ओके अगर आप लोगों को किसी और पे ट्रस्ट नहीं है और इसके अलावा भी आपके कॉलेज में उस तरीके से एडमिशन हो जाती है। ये होता है मैनेजमेंट कोटा सीट्स। क्या ये लीगल है? हाँ दोस्तों ये लीगल है, क्योंकि ये लीगल इसलिए बन जाता है कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कॉलेज की एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए दे नीड मनी, एंड वो मनी जो है गवर्नमेंट के एडमिशंस के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो कॉलेजेस में ये नियम निकला है कि अप टू 10%, ध्यान रखें अप टू 10% इन इंडिया हर कॉलेज को ये अलाउड है कि वो सारे सीट्स मैनेजमेंट कोटा के द्वारा फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो एक भी सीट ज्यादा फुल करते हैं दैट इज इलीगल एंड यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट इट, बट ऐसा होता है दोस्तों पर कोई फाइल नहीं कर पाता तो ये भी चीज अच्छी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या हर जगह आप लोग को पैसा देना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप हर जगह इस चीज के पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं जो कॉलेज अच्छी तो है बट उनकी सीट्स उतने फिल नहीं होते बट वो कॉलेज गुड है, तो दोस्तों ऐसे कॉलेज में जाकर अगर आप अपना रैंक कार्ड दिखाएं तो आपकी एडमिशन हो सकती है। इसके अलावा आप किसी काउंसलर से कंसल्ट करें कि मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है बट मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज में मेरा हो जाए, तो हम कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा तो उसकी बात अलग है, बट अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है तो हम आपकी डायरेक्ट एडमिशन उस कॉलेज में करवा सकते हैं। आपकी जो भी एडमिशन फीस होगी आपके लिए अच्छे कॉलेजेस सजेस्ट कर सकते हैं और उसकी जो है सर्विसेज की चार्ज हम ले सकते हैं कि बहुत ही छोटा अमाउंट कि हम आपको बता सकें कि क्या एग्जैक्टली आपके लिए गुड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज काउंसलिंग, राइट? सो यहाँ पर आपका ये काम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। एक होता है जब आप काउंसलर्स आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो भी इस कॉलेज में आपके एडमिशन करवाते हैं काउंसलर, तो वो कॉलेज से सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि आप लोग की जो है क्या कंडीशंस है और अगर आपके पास कोई सीट बचा हुआ है और कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो इस बच्चे को जरूर चांस दे, तो कॉलेज भी सोचेगी अगर कुछ नहीं आ रहा है, कोई अच्छे पैसे नहीं दे रहे तो हम आप लोग को एडमिशन करवा सकते हैं या फिर कोई अगर आपको हेल्प से करवा दे तो कॉलेज इस जगह कंसल्ट करती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद से तो वो भी हम तो उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी बिन पैसे का काम नहीं करता। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो कॉलेज की भी तो मैंने मदद की है लोअर ब्रांचेस को फिल करने में, तो वहां पर कॉलेज हमें कुछ ना कुछ अमाउंट दे सकता है, दैट विल बी अ वेरी मिनिमम अमाउंट बट इट इज गुड, एनी हाउ वी आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स आउट। सो यहाँ पर ऐसे काम चलता है, ए बिजनेस कोई भी नहीं चल सकता, अगर होटल की बिजनेस है तो वो भी नहीं चल सकती बिन पैसों की, तो ऐसे चलता है काम। तो अगर मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी कुछ समझाया और काफी लोग बच्चे समझना चाहे होंगे तो समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग जो है इस चीज को ऑलरेडी नेगेटिव माइंड में ऑलरेडी, अगर यू हैव ऑलरेडी सेट अ माइंड दैट इज इट इज नेगेटिव, सो आप पहले से नेगेटिव सोच रहे हो तो अभी आप जो है गुड सोचना शुरू कर सकते हो, ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों व्हाट इज पेड काउंसलिंग। द पेड काउंसलिंग इज बेसिकली अ फी फॉर अ काउंसलर, जैसे कि आप कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसल्टिंग डॉक्टर, राइट? सो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, ये मेडिसिन देते हैं कि आप खरीद लो,
आप खरीदो नहीं खरीदो डॉक्टर का कोई कंसर्न नहीं है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को काउंसलिंग या फिर कोई भी आपको पेड काउंसलिंग करता है, देयर हिज और हर ड्यूटी इज टू मेक यू फील कि आप पहले बताओ कि आपको कहाँ लोकेशन है, आपकी कितनी बजट है, आप किस तरीके की कॉलेज लेना चाहते हो, आपने एक माइंड सेट क्रिएट किया है, उस माइंड सेट में मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि देखिए ये कॉलेजेस हैं, ये चीजें हैं, मैं आपको बताया, फिर आपको लगा ओ ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता चला, अब जो है मैं क्या करूंगा, अब इनमें से मैं आपको चॉइसेस दे दूंगा, फिर आप ऐसा डिसाइड करेंगे, नहीं फिर भी आपने दिमाग में सोचा नहीं मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा इसकी बात सुनूंगा, कोई जरूरत नहीं है, आप उसी की बात सुने। मेरा काम है बस आप लोगों को या फिर किसी और का काम है आप लोगों को इस चीज में इन्फ्लुएंस करना। अगर कोई काउंसलर या फिर कोई आदमी अगर आप पे फोर्स डालता है कि नहीं ऐसा मत करो तुम ऐसा ही करो, दैट मीन्स ही इज नॉट अ गुड काउंसलर एंड ही इज फोर्सिंग यू आउट, ही इज ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम यू, मतलब ये आपको वो जो है एक तरीके से हैरस कर रहा है कि आपसे पैसे निकालने की कोशिश। तो यहाँ पर आप बचें। अगर कोई आदमी कभी भी आप लोगों के डिसीजन को चेंज करना चाहे या फिर आपको बाद में फ्रॉड करना चाहे, दैट मीन्स ही इज अ फ्रॉड काउंसलर। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल में कहूँ, बहुत सारे बच्चे को बिहार से कहते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में उनमें मैं आप लोगों को CSE IT दिला दूंगा, उनको लाते हैं 10-15 हज़ार रुपये की बातें करते हैं और यहाँ आकर जो है उनको लोअर ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दिला देते हैं और इससे क्या होता है कि उनको पता है कि कॉलेज से इससे तो हमें 10-15 हज़ार में कुछ होगा नहीं, तो क्या है कि कॉलेज से जो है वो उनके लिए इंसेंटिव ले लेता है, तो ऐसा होता है। तो ओवरऑल में मैं दोस्तों आप लोगों को एजुकेशन देना चाहा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को ये चीजें पता चली तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता चला तो भी अच्छी बात है। कोई आपका दोस्त लेना चाह रही की इच्छा रखता हो तो उस चीज को इस वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको नॉलेज मिल सकता है इस चीज के बारे में कि वो फ्रॉडेंट से बचें। बट इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, सेल्फ काउंसलिंग की हेल्प लेना चाहते हैं, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस एंड जो फॉर्म का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग उनको कॉल्स नहीं कर रहे हैं, तो वी विल कॉल यू अप इन रिसेंट फ्यूचर्स आफ्टर द रिजल्ट इज आउट, सो दैट यू ऑल्सो हैव अ क्लैरिटी कि आपको कौन से कॉलेजेस जाने की इच्छा होनी चाहिए और हमारे पास भी क्लैरिटी होगा कि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।